कॉपी। मुझे 100 च्या वर गेले तर चालेल। कॉपी।
Gracias.
हेलो पूजा मैम। हाँ मैम, आप अभी होस्ट हो, यू कैन स्टार्ट द लेक्चर। स्क्रीन शेयर हो रही है। क्या? नहीं तो आप ये बता, नहीं, आप पहले मुझे बताओ अनम्यूट कैसे होगा। हाँ अच्छा, हाँ ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो अभी जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, फर्स्ट लेक्चर आपका पेटेंट का था और सेकंड लेक्चर आपका ट्रेड कॉपीराइट से रिलेटेड था, थर्ड आपका ट्रेड था। नाउ द फोर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज डिजाइन, जो आज हम बताएंगे कि कौन कौन से डिजाइन को आप फाइल कर सकते हैं या कौन कौन से डिजाइन आप फाइल नहीं कर सकते हैं। हर एक पर्सन के दिमाग में, हर एक स्टूडेंट के दिमाग में कुछ आइडियाज होते हैं, आइडियाज नाई नॉट ओनली रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, बट कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं कि या ये बॉटल का डिजाइन मेरे दिमाग में क्या एक नया आया है और उसको मुझे प्रोटेक्ट करना है। तो आप ऐसे डिजाइन्स को, कोई शेप, कोई कॉन्फ़िगरेशन को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दैट टुडे आई विल टेल यू इन द इंडस्ट्रियल डिजाइन रजिस्ट्रेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय आईपीआर? आईपीआर यू ऑल नो दैट इज अ आईपीआर यू ऑल नो दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड से मतलब है कि आप लोगों के नए आइडियाज, जो जो भी आप लोगों के दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं रिलेटेड टू डिजाइन, दैट वी कैन प्रोटेक्ट अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सेम वे मेरे आईपीआर राइट्स इंटेंजिबल होने शुरू होते हैं, दे कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड और डिफाइंड बाय एनी फिजिकल पैरामीटर। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पेटेंट्स में चाहे वो कॉम्पोजिशन हो, चाहे वो प्रोसेस हो, चाहे वो आपका अपरेटस हो, ये सब आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कवर करते हैं। टाइप्स ऑफ आईपीआर में वी हैव डिस्कस्ड वन बाय वन, लाइक वी हैव अ पेटेंट, वी हैव अ ट्रेडमार्क, डिजाइंस, कॉपीराइट, जर्नल इंडिकेशन एंड ट्रेड सीक्रेट। सो वी हैव ऑलमोस्ट कवर पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट्स। नाउ टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिजाइन। सो डिजाइन का मेन ऑफिस भी हमारा कैलकटा है। वैसे तो हमारे चार ऑफिस हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कैलकटा। ऑनलाइन फाइलिंग आप कर सकते हैं, पर मेन फाइलिंग की जो सर्टिफिकेट आपको डिजाइन के लिए जो ग्रांट होता है वो कैलकटा ऑफिस में होता है। इंडस्ट्रियल डिजाइन में चाहे वो कार का डिजाइन, चाहे वो कार का डिजाइन हो, चाहे वो सीट का डिजाइन हो, कोई भी डिजाइन अगर आपके दिमाग में है जो आपको लगता है कि थोड़ा अट्रैक्टिव है, ठीक है, डिफरेंट है, तो आप उसको इंडस्ट्रियल डिजाइन में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल डिजाइन का मतलब है द फीचर ऑफ द शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन पैटर्न, कॉम्पोजिशन ऑफ लाइन्स, कलर कॉम्बिनेशन, ठीक है, कोई पिक्टोरियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कोई ड्रॉइंग्स। जैसे आप देखो एग्जाम्पल मोबाइल के, देखो आप पहले एक नोकिया का फोन आता था, नोकिया के फोन में फिर से नया चेंजेस हुआ, फिर फ्लैग वाले फोन आने लगे, तो हर एक फोन का एक नया डिजाइन है। तो पेटेंट के साथ साथ इनका डिजाइन भी प्रोटेक्टेड है। डिजाइन डज नॉट इंक्लूड एनी कंस्ट्रक्शन और एनीथिंग विच इज मियर अ मैकेनिकल डिवाइस।
तो हमेशा याद रखें कि अगर आप कोई मैकेनिकल डिवाइस फाइल करना चाहते हैं तो डिजाइन उसको प्रोटेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ डिजाइन रजिस्ट्रेशन क्या है, बेनिफिट क्या है डिजाइन के। देखिए, डिजाइन का बेनिफिट है द रजिस्टर्ड द प्रोप्राइटर गेट एक्सक्लूसिव राइट टू अप्लाई हर डिजाइन ऑन एन आर्टिकल। रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ द डिजाइन इज इंटाइटल्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ दिलीप सर का एग्जाम्पल, यहाँ पे आप ही कॉल आप ही के स्कूल से दिलीप सर बिलोंग करते हैं और दिलीप सर ने एक टेबल बनाई थी जो कि डिजाइन रजिस्ट्रेशन के लिए हमने अप्लाई की। तो वो जो ओरिजिनल सर का जो नया नॉवल कंसेप्ट था जो डिजाइन का, उसको पेटेंट ऑफिस ने देखा और उसने नहीं उसका पूरा एक्चुअल सर्च करके फाइंड आउट किया कि जो सर का डिजाइन है वो वाकई में ओरिजिनल है। अभी तक किसी के दिमाग में सर वाले डिजाइन का आइडिया नहीं आया, तो दैट इज व्हाई सर हैज ग्रांटेड ए डिजाइन सर्टिफिकेट फॉर दैट पर्टिकुलर टेबल दैट इज कॉल्ड साइंस लैब टेबल। सो सेम वे में द बेनिफिट क्या होगा सर को, अगर सर का ये आइडिया अगर सर रजिस्टर नहीं करते, सर ये जो टेबल का कंसेप्ट था सर अगर रजिस्टर नहीं करते तो कोई भी एक दूसरा इंसान उसको चोरी करके एक वैसा ही सेम कंसेप्ट डेवलप कर सकता था। अब सर का फायदा क्या होगा कि सर ने जो टेबल बनाई है जिसपे उन्होंने डिजाइन रजिस्ट्रेशन लिया है, अब अगर कोई सेम कॉपी करता है या सेम प्रोडक्ट बनाता है तो सर उसको लीगली सू कर सकते हैं, सर उसको लीगल नोटिस भेज सकते हैं, बिकॉज सर हैज द राइट्स, सर हैज अ लीगल राइट्स ऑन दैट पर्टिकुलर डिजाइन। ओके, सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ डिजाइन रजिस्ट्रेशन। जो सबसे पहले अप्लाई करेगा उसी को राइट मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोचते रह गए आपने अप्लाई नहीं किया तो आपको लगता है कि आपको राइट्स मिलने चाहिए। नो, द बेनिफिट ऑफ डिजाइन रजिस्ट्रेशन विल बी गेट ओनली फॉर दोज पर्सन हु आर फाइलिंग द पेटेंट हु आर फाइलिंग द डिजाइन। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिया है डिजाइन का। ये आप लोग अनम्यूट तो नहीं हो सकते बट मैं बताती हूँ, ये एक बॉटल है, ठीक है, वंडर शेफ की बॉटल है, वंडर शेफ ट्रेडमार्क है, जो भी कल दीपिका ने आपको बताया कि अगर कोई ब्रांड नेम, ठीक है, कोई नाम काम शुरू आप करना चाहते हैं तो आप एक नाम सोचते हैं, उस नाम को जैसे अब ये वंडर शेफ की बॉटल है तो वंडर शेफ जो वर्ड है दैट विल प्रोटेक्टेड अंडर ट्रेडमार्क, और ट्रेडमार्क के जो राइट्स होते हैं वो 10 ईयर्स के लिए मिलते हैं, 10 ईयर्स के बाद आपको उनको रिन्यू करना होता है। सेम वे में इस बॉटल का जो डिजाइन है दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर इंडस्ट्रियल डिजाइन। इस बॉटल में आपने देखा होगा सबसे ऊपर 26 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे ये 26 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि इस बॉटल के अंदर एक सेंसर लगा है कि जब आप इस बॉटल पे टच करते हैं, आई ऑल्सो हैव दिस बॉटल, जब हम इसके ऊपर टच करते हैं तो ये आपको टेम्परेचर दिखाता है कि आपके पानी का टेम्परेचर कितना है। अगर आपने चाय भी डाली है या गर्म दूध डाला है तो उस टेम्परेचर से आपको पता चल जाता है कि आपकी दूध जो है वो कितना गर्म है। सो दिस डिजाइन ऑफ द बॉटल कम्स अंडर इंडस्ट्रियल डिजाइन। अगर मैं बात करती हूँ ये जो 26 डिग्री सेंटीग्रेड लगा है, जो सेंसर्स लगाया है, ये आपका आएगा पेटेंटेड टेक्नोलॉजी में। सो ये सिर्फ एक बॉटल का डिजाइन है, बॉटल के डिजाइन के साथ साथ आई हैव अ वेरी अट्रैक्टिव डिजाइन ऑफ ए कप। आप देखो एक कप के अंदर कि अगर आपको बिस्किट देने हैं किसी को, ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, और आपके पास बिस्किट है तो आपको यू डोंट हैव टू यूज द प्लेट। आप फर्स्ट डायग्राम में देखो, एक प्लेट के अंदर हम बिस्किट रख देते हैं, चाय भी है, हम बिस्किट खा रहे हैं चाय भी पी रहे हैं, बट अगेन ये स्पेस कम होने की वजह से वो गिर जाते हैं नीचे। तो हमने क्या किया, हमने एक इम्प्रूवमेंट किया कप के अंदर, हमने एक नया इनोवेटिव डिजाइन बनाया जिसमें क्या हो रहा है कि आप उसको बिस्किट को रखने का एक नया एक पॉकेट आपने बना दिया है। थर्ड डिजाइन में आप देखो हमने क्या किया, पॉकेट के अलावा हमने उसको नीचे ही कर दिया कि हमने नीचे एक ग्रुप बनाया है जहाँ पे आप बिस्किट 2-3 प्लेस कर सकते हो कि आप चाय पीते रहो, आपको बिस्किट खाना, आप नीचे से निकालो और खा लो। सो दीज आर द डिफरेंट डिजाइन। सो ये जो डिजाइन है ये चारों आप अपने इंडस्ट्रियल डिजाइन में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में भी कप को लेकर कोई नया इनोवेटिव डिजाइन आया है, सपोज अगर मुझे एक डिजाइन के अंदर चम्मच रखनी है, ठीक है, तो अगर मुझे उसको स्पून रखनी है तो उस स्पून को रखने के लिए जो कप के अंदर डिजाइन आया है, ठीक है, तो आई विल फाइल द डिजाइन फॉर दैट। ठीक है, तो एक कप के अंदर बिस्किट के साथ स्पून रखने का भी अगर ऑप्शन आप दे रहे हैं, सो दैट हैव यू कैन से ओरिजिनल कंसेप्ट ऑफ दैट डिजाइन। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आई
taken a very good example of this glasses. आप मार्केट में गए, आपने देखा कि कुछ ग्लासेस आपको लेके आ रहे हैं, ठीक है? अब आप देखिए कितने अट्रैक्टिव ग्लासेस हैं, कुछ डिजाइन हैं इनके ऊपर, ठीक है? आपने देखा होगा छोटे बच्चे क्या होते हैं आजकल ना, कार्टून को देखे बड़े अट्रैक्ट होते हैं, कि अगर उनको कुछ एनिमेशन वाली कार्टून वाली चीजें दिखती है जो उनके खुद के इंटरेस्टेड कार्टून है, इंटरेस्टेड वो है इमेजेस है, तो उनको लेके आना पसंद करते हैं। जैसे आपने देखा होगा डोरेमोन, ठीक है, और लड़कियों की ज्यादातर सिंड्रेला और ये सब प्रिंसेस वगैरह की रहती है। तो अगर ग्लासेस के ऊपर कुछ डिजाइन है जो अट्रैक्ट कर रहे हैं कस्टमर को, तो आप ऐसे डिजाइन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट डिजाइन के अंदर हमने कुछ आर्टिस्टिक वर्क करा है डिजाइन ग्लास के ऊपर, तो उसको भी इंडस्ट्रियल डिजाइन में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वाली जो इमेज है और सेकेंड वाली इमेज में आप देखो ग्लासेस है दोनों, ठीक है, बट दोनों के डिजाइन में फर्क है, तो दैट विल प्रोटेक्ट अंदर इंडस्ट्रियल डिजाइन। नेक्स्ट आपका है फैन। अब आपने देखा होगा डिजाइन प्ले वेरी क्रिटिकल रोल इन एडिंग द कमर्शियल वैल्यू इन द मार्केट। आप कोई भी जब बाजार से कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, तो वेंडर अगर आपको ये बोलता है कि देखिए सर आपने बोला मुझे एक फैन दिखाइए, उन्होंने कहा ठीक है ये फैन देखिए पोलर का है, ये दूसरी बजाज का है, ओरियंट का है। अब अगर उसने बोला दुकान वाले ने कि हैवल्स का एक बड़ा अच्छा डिजाइन आया है पंखा और उसके अंदर एलईडी लाइट्स भी लगी हुई है, तो आप बोलेंगे यार वही दिखाओ मुझे, हमें यही पंखा खरीदना है, बिकॉज आप लोग उसके लुक्स पे अट्रैक्ट हो रहे हो, उसके डिजाइन पे अट्रैक्ट हो रहे हो, जिसकी वजह से कस्टमर अट्रैक्ट हो रहे हैं उनके डिजाइन को और उसकी कमर्शियल वायबिलिटी बढ़ रही है और वैल्यू बढ़ रही है, और लोग जितना उसको खरीदेंगे उतना ही उसको बेनिफिट मिलेगा। ये फायदा होता है डिजाइन का। नेक्स्ट, सेम वे में मोबाइल के अंदर भी हर एक दिन नया जो मोबाइल का डिजाइन है वो भी आपको कॉम्पिटिटर से आपको एक नया इमेज क्रिएट कर रहा है, इनहांस कर रहा है इमेज ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है? तो हम कई बार जो मोबाइल खरीदते हैं हम देखते हैं कि यार इसका डिजाइन ज्यादा, जैसे अभी आजकल क्या सबको लगा हुआ है एप्पल का फोन लेना है, एप्पल आईपैड लेना है, एप्पल एप्पल एप्पल, ठीक है? तो लोगों को मतलब नहीं है, मतलब लोगों को है कि बस मुझे आईपैड ही खरीदना है और एप्पल का ही खरीदना है। टशन है, स्टाइल है, ठीक है, डिजाइन है उनके और टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से लोग कस्टमर्स जो है ब्रांड पे अट्रैक्ट होता है सबसे ज्यादा। अब डिजाइन्स में सिर्फ प्रोडक्ट की अगर मैं बात करती हूँ, सिर्फ प्रोडक्ट के अलावा भी 2D 3D फीचर्स लाइक पैटर्न, लाइंस, कॉम्पोजिशन और कलर, ये सब भी आपके प्रोटेक्ट होते हैं। जैसे अब देखो मैंने राइट साइड में एक डॉल का डिजाइन बनाया है, तो ये डॉल के डिजाइन्स जो है अगर आप कोई ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट के डिजाइन्स बनाते हैं तो आप इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कुछ लाइन डायग्राम्स नीचे कलर कॉम्बिनेशन है, वॉलपेपर्स हैं, अगर ये आपके ओरिजिनल डिजाइन हैं इनको भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिजाइन रजिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट आपका है एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है डिजाइन की। जब भी आप कोई डिजाइन फाइल करेंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो डिजाइन है वो ओरिजिनल होना चाहिए और न्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर जो बात मैं जिस डिजाइन को मैं फाइल करना चाहती हूँ वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। डू नॉट डिस्क्लोज इन द पब्लिक एनीवेयर बाय द पब्लिकेशन। कहीं पे भी वो पिक्चर पहले से किसी भी एग्जीबिशन में, किसी भी कॉन्फ्रेंस में कहीं प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। थर्ड, इट बी सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द नोन डिजाइन। अगर मैं टेबल की बात करती हूँ तो दिलीप सर की टेबल दूसरे की टेबल से दो, अगर एक इंसान उसको व्यू कर रहे हैं या डिस्टिंग्विश कर रहे हैं तो उनको फर्क दिख जाना चाहिए कि सर की टेबल में और ऑलरेडी नोन टेबल्स में बहुत फर्क है। डू नॉट कंप्राइज और कंटेन स्कैंडलस और ऑब्सेंस मटेरियल। कोई स्कैंडलस मैटर नहीं होना चाहिए, ठीक है? और इट कैन द डिजाइन कैन बी अप्लाई टू एन आर्टिकल शुड अपील टू द आई। जो आप आंखों से जो डिजाइन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हाँ इस पेन में और इस पेन में फर्क दिख रहा है, दैट कैन द प्रोटेक्शन अंडर द डिजाइन रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, इट कैन नॉट बी कॉन्ट्ररी टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी। जो भी आप डिजाइन फाइल करें वो कोई पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के खिलाफ नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, स्मार्ट इनोवेशन अगेन डिजाइन पेटेंट जो मैं अपनी हर स्लाइड में डालती हूँ। एक स्मार्ट अलार्म क्लॉक बनाई है, ये वो अलार्म क्लॉक है जो ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे इंसान जो आलसी होते हैं, जो बेड से उठना नहीं चाहते अलार्म लगाने के बाद भी, उनके लिए बनाई गई है कि आपको अगर आपने अलार्म सेट किया है इस अलार्म के साथ
तो आपको उसके ऊपर खड़ा ही होना पड़ेगा, तभी ये बंद होगी, वरना ये बना रिंग करती रहेगी करती रहेगी। सो अगेन डिजाइन पेटेंट। नेक्स्ट, इंडिया में जो हम फाइल करते हैं दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन, पर अगर वही चीज आप यूएस में फाइल करते हो तो आप उसको डिजाइन पेटेंट में फाइल करते हैं। तो हमेशा याद रखें, अगर कोई आपके पास आता है एज ए टॉली के पास जाता है और बोलता है मुझे डिजाइन पेटेंट करना है, तो नहीं, डिजाइन पेटेंट नहीं, आप इंडस्ट्रियल डिजाइन फाइल करेंगे इंडिया में। बट अगर वो वाकई में डिजाइन पेटेंट करना चाहता है तो उसके जो चार्जेस होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं, और जो कि यूएस कंट्री में फाइल कर सकता है। नेक्स्ट, एक कप के अंदर देखो एक बड़ा इनोवेटिव डिजाइन है कि कप जब हम चाय पीते हैं तो क्या होता है, उसकी जो ड्रॉप है वो टेबल के ऊपर लग जाती है, निशान बन जाते हैं। उसको रिमूव करने के लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम एक लाइन ड्रॉ कर दें कप के अंदर। उससे क्या होगा, जब भी आप चाय पियेंगे तो उसकी एक एक ड्रॉप उस लाइन पे जाके कनेक्ट हो रही है। सो अगेन अ वेरी स्पेशल डिजाइन दैट अलाउ इट टू कलेक्ट अप ऑल द ड्रॉप्स रेदर देन स्टेन ऑन अ टेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ 2D डिजाइन वॉलपेपर। जैसे आपने देखा होगा आजकल घरों में वॉलपेपर्स आप लगाते हो, ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में कुछ नए वॉलपेपर्स के डिजाइन्स हैं, चाहे वो वॉलपेपर 2D हो या 3D हो, तो आप इन वॉलपेपर्स को भी इंडस्ट्रियल डिजाइन में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो बेडशीट्स होती है, ठीक है, बॉम्बे डाइंग की बेडशीट्स जो है वो कॉस्टली इसलिए होती है बिकॉज देयर डिजाइन्स आर रजिस्टर्ड। सो उनका जो रहता है बॉम्बे डाइंग की, जब भी आप बेडशीट खरीद के लाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो दुकान वाला है वो आपको बोलता है कि आपकी जो ये बेडशीट है इसके कलर फेड नहीं होंगे, आपको हम गारंटी देते हैं, ठीक है। और इसके जो डिजाइन होते हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, दैट इज वाई बॉम्बे डिजाइन अपनी हर चादर को, अपनी हर ब्लैंकेट को रजिस्टर करता है। सेम ना ही बॉम्बे डाइंग की जब मैं बात करती हूँ तनिक ज्वेलरी की, ठीक है, जितनी भी ज्वेलरी वाली है शॉप्स या फिर रितुवेज के कपड़े हुए, ठीक है, आजकल सब लोग इंडस्ट्रियल डिजाइन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनको लगता है कि ये हमारे ओरिजिनल डिजाइंस है। तनिष्क ज्वेलरी के जो भी डिजाइंस आप देखते हो, चाहे वो रिंग का डिजाइन है, चाहे वो नेकलेस का डिजाइन है, वो बहुत ही यूनिक होते हैं जब हम कंपेयर करते हैं उन्हीं डिजाइन को एक शॉप वाले, एक नॉर्मल शॉप जो गोल्ड की जो शॉप खोल के बैठा है। सो दैट इज वाई द वैल्यू ऑफ द डिजाइन आर मोर अट्रैक्टिव टू द कस्टमर्स, that is why the charges of the designs are more compared to the normal vendor, जो कि एक मार्केट में एक सुनार जो नॉर्मल एक शॉप खोल के बैठा है। दैट इज वाई जब हम मार्केट में जाते हैं कोई प्रोडक्ट खरीदने, अगर कस्टमर अगर दुकान वाला आपको बोल रहा है कि सर ये डिजाइन का जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही महंगा है और इसकी खासियत है कि इसका जो डिजाइन है लोगों को अट्रैक्ट, लोग इसको खुश होकर खरीद रहे हैं, तो दैट इज वाई डिजाइन हैव देयर ओन वैल्यू। ओके, दैट इज वाई वी फाइंड कि भाई अगर हमारे दिमाग में जो डिजाइन आए हैं लोग इनको खरीद रहे हैं, फिर लोग इनको भी कॉपी ना करें, लोग इनको कॉपी करके अपने प्रोडक्ट अपने डुप्लीकेट प्रोडक्ट ना बेचें, तो हमने सोचा कि हम इन डिजाइन को प्रोटेक्ट करें थ्रू इंडस्ट्रियल डिजाइन। नेक्स्ट स्लाइड, आई हैव टेकन अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ चेयर। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिलीप सर का एग्जाम्पल दिया टेबल का, वही मैं एग्जाम्पल देती हूँ चेयर का। क्या अगर आपके दिमाग में कोई नए डिजाइन आए हैं चेयर को लेकर, देखा आपने देखा होगा कुछ लोग चेयर पसंद करते हैं कि उनका बैक पूरा कवर हो जाए, ठीक है, कुछ लोग पसंद करते हैं कि उनका हाफ जो शोल्डर है वहां तक कवर हो रहा है, ठीक है। तो बैक सपोर्ट के लिए मेरे दिमाग में एक नया डिजाइन आया कि मैंने उसमें कुशन सिस्टम लगा दिया या स्प्रिंग सिस्टम लगा दिया, ठीक है, या फिर मैं कुछ अलग नए क्रिएटिव डिजाइन जो चेयर के मेरे दिमाग में आए हैं उनको मैं प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। तो ये सारे जो डिजाइन है वो आप इंडस्ट्रियल डिजाइन में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सक्लूजन फ्रॉम स्कोप ऑफ डिजाइन। अब ऐसी बात नहीं है कि आप कोई भी डिजाइन लेके आएंगे तो पेटेंट ऑफिस उसको डिजाइन को प्रोटेक्ट कर देगा। तो पेटेंट ऑफिस का कहना है कि अगर आप कोई स्टैंप लेके आते हैं, कोई लेबल्स लेके आते हैं, कोई टोकन्स लेके आए, अगर आप बोले मैं मेट्रो का टोकन लेके आया हूँ और उसको मुझे प्रोटेक्ट करना है, तो दीज टोकन्स आर नॉट अलाउड टू गेट अ डिजाइन रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, आप अगर कार्ड की बात करते हैं, ठीक है, आप बोले कि बैंक ऑफ बड़ौदा का डेबिट कार्ड है, मुझे इसको डिजाइन में प्रोटेक्ट करना है, तो नो, सो दे आर नॉट अलाउड। सो टोकन्स, कार्ड्स, लेबल्स एंड स्टैम्प्स, दे आर नॉट अलाउड टू फाइल अ डिजाइन। ओके, नेक्स्ट, क्रिएटिव पैकेजिंग डिजाइन। आपने देखा होगा पैकेट दिवाली के टाइम पे जब आप हल्दीराम या बीकानेर में मिठाई लेने जाते हो तो उनके जो डिजाइन है, उनके जो बॉक्सेस होते हैं बड़े अट्रैक्टिव होते हैं,
ठीक है, पैकेजिंग बड़ी अट्रैक्टिव होती है कि मिठाई तो आपको पता है कि ब्रांडेड है, ठीक है, बट आप उनकी पैकेजिंग पे भी अट्रैक्ट होते हो. तो जो पैकेजिंग है डिजाइन में आप उनको भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, चाहे वो बॉक्स की पैकेजिंग हो, चाहे वो पेपर फॉर्म में पैकेजिंग हो. आप देखो इस डायग्राम में, इस वाले पिक्चर को देखो, जहाँ एक कप रखा है जिसमें चारों फोल्ड करके आप एक पैकेजिंग कर रहे हैं कप को रैप करने के लिए. सेम वे में यहाँ पे भी एक चार, अगर कोई मिठाई रखी है आपने, ठीक है, तो उसको भी आप एक ही बॉक्स में चार मिठाई रख सकते हैं, ठीक है. सो जो डिफरेंट पैकेजिंग है इनको भी आप इंडस्ट्रियल डिजाइन में प्रोटेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका है 3D डिजाइन, ठीक है. अब जो 3D और 2D डिजाइन की मैं बात कर रही थी, चाहे वो कार का मॉडल हो, चाहे वो डिजाइन बाइक का मॉडल हो, चाहे कोई भी ऑटोमोबाइल, चाहे रिक्शा का मॉडल हो, ठीक है. अगर आपको लगता है कि कुछ रिक्शा का मॉडल या व्हीकल का मॉडल आपने भी एक नया सोचा, स्पोर्टी लुक, डिफरेंट लुक, तो आप उन लुक्स को भी इंडस्ट्रियल डिजाइन में प्रोटेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, चेंज इन द शेप इज कंसिडर्ड. अगर आप शेप में चेंज कर रहे हैं तभी डिजाइन ऑफिस उसको कंसीडर करेगा. डिजाइन ऑफिस का कहना ये है कि आपने शेप में चेंज किया, आपने उसके डिजाइन में चेंज किया, तभी हम आपको इंडस्ट्रियल डिजाइन में प्रोटेक्शन दे रहे हैं. अगर शेप में चेंज नहीं होगा तो पेटेंट ऑफिस आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा, मतलब डिजाइन में अगर चेंजेस नहीं होंगे. ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, हु कैन अप्लाई ए डिजाइन एप्लीकेशन. अब मैंने जितने सारे आपको डिजाइन दिखाए और आपके दिमाग में भी कुछ हो सकते हैं डिजाइन, ठीक है, आप ये सोचेंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है या कहाँ जाए. आप एज ए इंडिविजुअल, एज ए स्टूडेंट, एज ए फैकल्टी, आप खुद भी एक डिजाइन को फाइल कर सकते हैं एज ए फॉर्म. बट जो मेन आपको मैंने रिसीविंग ऑफिस बताया है डिजाइन का, वो हमारा है कलकत्ता, और अलग रिसीविंग ऑफिस हैं दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहता है, ठीक है. अगर आपके पास डिजाइन है भी तो आप कैसे फाइल करेंगे. सबसे पहले आपको देखना है कि जो भी आपके पास डिजाइन है आपको वो कैड पिक्चर्स पे आप उनके इमेजेस बनवाइए. कैड कैम सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे आप उनकी इमेजेस बनवा सकते हैं, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट और साइड व्यूज. जब ये चारों पांच व्यूज आप बनवा लेंगे तो उसके बाद दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन शीट, ठीक है. अगर आपको लगता है कि आपके पास कैड कैम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप ओरिजिनल पिक्चर भी खींच सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रिमोट मेरे हाथ में है, ठीक है, You all are seeing that remote. अगर इस रिमोट का डिजाइन को मुझे प्रोटेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, इसका फ्रंट फोटो, बैक, राइट व्यू में ऐसा दिखेगा बस रिमोट, और अगर मैं साइड व्यू करती हूँ, लेफ्ट व्यू करूंगी तो सिर्फ इतना दिखेगा, ठीक है, और फ्रंट आपका ऐसा दिखेगा, बैक ऐसा दिखेगा. तो आप जब भी कोई प्रोडक्ट जिसको डिजाइन के लिए फाइल कर रहे हैं तो आप कैसे इमेजेस देंगे, पहले उसकी फ्रंट फोटो खींचेंगे, फिर आप उसकी बैक फोटो खींचेंगे, फिर आप राइट फोटो खींचेंगे, फिर आप एक लेफ्ट फोटो खींचेंगे, ठीक है. एक आपका प्रोडक्ट रहता है पर्सपेक्टिव, साइड से. अगर मैं इस प्रोडक्ट को साइड से देख रही हूँ, ठीक है, ये प्रोडक्ट है सामने और मैं इसको साइड से अगर विजुअलाइज कर रही हूँ तो ये कैसा दिखेगा. तो जब भी आप कोई डिजाइन प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसकी फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट और साइड व्यूज की फोटोज आप पेटेंट ऑफिस को सबमिट करते हैं. रिप्रेजेंटेशन शीट के अलावा फॉर्म 1 जाता है और उसके अलावा आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी जाती है. अगर आप किसी एजेंट के थ्रू अपना डिजाइन फाइल करते हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी 100 रुपीज स्टैम्प पेपर पर लगती है और पेटेंट ऑफिस में सबमिट होती है. नेक्स्ट, फीस की बात आती है जब, कि अगर फीस कितनी है, ठीक है. अगर मैं बात करती हूँ इंडिविजुअल की तो इंडिविजुअल की जो फीस लगती है वो 1000 रुपए है, और अगर वही डिजाइन कोई कंपनी फाइल करती है तो उसके जो चार्जेस है वो 4000 रुपए है. अगर कोई स्मॉल एंटिटी है, कोई स्टार्टअप कैटेगरी में फाइल करना चाहता है तो स्मॉल एंटिटी है, MSME का सर्टिफिकेट है, तो उसकी जो फीस है वो 2000 रुपीज़ है. तो आप ध्यान रखें, अगर आप इंडिविजुअल कैटेगरी में फाइल करते हैं तो ये गवर्नमेंट फीस की मैं बात कर रही हूँ, जो कि 1000 रुपये है. और वही अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई डिज़ाइन फाइल होता है या कॉलेज या स्कूल की तरफ से फाइल होता है तो उसकी जो गवर्नमेंट फीस है वो 4000 रुपये. रिप्रेजेंटेशन शीट मैंने आपको बताया एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर आपको ड्राइंग्स, फोटोग्राफ्स ये सब अटैच करनी होती है और A4 साइज पे आप उनको इनको अटैच करना होता है. नेक्स्ट आपका है रिप्रेजेंटेशन शीट जो है, जब भी आप रिप्रेजेंटेशन शीट देखेंगे, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन शीट के ऊपर नाम लिखा होगा पर्सन का. मैं आपको एक दिखाती हूँ उनके रिप्रेजेंटेशन
presentation sheet. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कैसे हम रिप्रेजेंटेशन शीट जो है फाइल करते हैं. माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल. अभी मैं अनम्यूट कर नहीं सकती हूँ, एक मिनट रुकिए. देखिए ये रिप्रेजेंटेशन शीट्स है जिसमें एक एक मेडिकल डिवाइस है, ठीक है, जिसका फ्रंट व्यू. ये रिप्रेजेंटेशन शीट पेटेंट ऑफिस में सबमिट होती है, जहाँ पे शीट नंबर वन लेफ्ट साइड में एप्लीकेंट यूनिवर्सिटी का नाम जाता है, ठीक है. ये फ्रंट व्यू है, नीचे पेटेंट एजेंट के साइन जाते हैं राइट साइड में. ये बैक व्यू है, ठीक है. ये टॉप व्यू है, कोई भी प्रोडक्ट का टॉप व्यू कैसे आप देखेंगे, ऊपर से कैसा दिख रहा है, ठीक है. और ये साइड व्यू है, जैसे मैंने आपको रिमोट का एग्जांपल दिया कि अगर मैं साइड से अपने प्रोडक्ट को देखती हूँ तो कैसा दिख रहा है, तो ये साइड व्यू है. ये इसका पर्सपेक्टिव व्यू है कि अगर मैं एक प्रोडक्ट को सामने रख देती हूँ, साइड से उसको व्यू करती हूँ, तो उसका क्या व्यू जाता है. सो दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन शीट, जहाँ पे आपको ये कैड में पिक्चर्स बनाए हुए हैं, कैड के डायग्राम्स बनाए हुए हैं जो हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन शीट. ओके, नाउ बैक टू अवर स्लाइड्स. रिप्रेजेंटेशन शीट के बाद आपका है नो डिस्क्रिप्टिव मैटर शुड बी देयर ऑन द रिप्रेजेंटेशन शीट. आप लोग ध्यान रखें कि डायग्राम के अलावा, आप देखो सिर्फ डायग्राम है और एक टाइटल है, ठीक है, पोर्टेबल लैरिंजोस्कोप है इस डिवाइस का नाम. तो डिवाइस, ये हमारा एक पेटेंट ऑफिस का फॉर्मेट होता है जो आपको यहाँ पे पेस्ट करना होता है. इसके अलावा कोई भी डिस्क्रिप्टिव मैटर आपकी शीट के ऊपर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. ओके, no sectional views shall be incorporated, dimensions or engineering symbols shall not be used in the representation sheet, no extraneous matter, koi extraneous matter bhi nahi hona chahiye. Jab hum color combination ki baat karte hain, in the essence of design as applied to an article, the same shall be depicted in the representation sheet. Next, ye file ni design plate ka design hai jo patent office mein file hua hai, jo ki top view maine yahan pe कवर किया. जैसे मैंने बताया आपको, रिप्रेजेंटेशन शीट जब देते हैं अपने क्लाइंट को, तो सिर्फ आपको ये पिक्चर्स जो है टॉप बॉटम राइट लेफ्ट व्यू में आपको पेस्ट करके हमको देनी होती है. जब भी हम डिजाइन फाइल करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट क्लासेस होती हैं. डिजाइन वन में फूड स्टफ्स रिलेटेड, क्लास टू में आर्टिकल्स रिलेटेड, क्लास थ्री में ट्रैवल. जैसे अगर आपने कोई ब्रश बनाया है तो ब्रश आपका क्लास फोर में फाइल होगा. तो हर एक क्लास में आपको देखना होता है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, आपने कोई घड़ी बनाई है तो घड़ी की जो क्लास है वो क्लास 10 में जाएगा. तो हर एक प्रोडक्ट जो भी क्लाइंट हमें भेजता है तो हम लोग चेक करते हैं कि उसकी किस क्लास में वो प्रोटेक्ट होगा. तो हमारे पास क्लासेस 1 से लेके 99 तक डिफरेंट क्लासेस हैं जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को क्लासिफाई करते हैं. नेक्स्ट, जब पेटेंट ऑफिस में फाइल करते हैं हम डिजाइन, तो ये की फॉर्म क्रिएट होता है, ठीक है. जब ये फॉर्म क्रिएट होता है तो वहां पे आपको ओके, सो नाउ इज इट विजिबल. आई थिंक जब हम डिजाइन फाइल करते हैं तो आप देखिए पूरा एक फॉर्म क्रिएट होता है आईपीओ की साइट पे, ठीक है. आईपीओ की साइट पे जाने के लिए आपको पहले यूजर नेम देना होगा और एक पासवर्ड लेना होता है. तो ये एजेंट के पास ही, जो एजेंट आपका होता है, वही उसको लॉग इन करके अंदर इंडियन पेटेंट ऑफिस के पोर्टल पे चला जाता है. जब हम इस पोर्टल पे जाते हैं तो आप देखो यहाँ पे दिखता है एप्लीकेशन टाइप क्या है. ऑर्डिनरी एप्लीकेशन है, एप्लीकेंट का नाम आप यहाँ लिखेंगे, जैसे एप्लीकेंट का नाम मिस्टर सरोज, उसका एड्रेस आ जाएगा, जैसे आपका सोनेपर डांडेकर कॉलेज है अगर यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं. स्टेट आपका महाराष्ट्र का रहेगा, नेशनैलिटी इंडियन रहेगी, एप्लीकेंट कंट्री इंडिया, ठीक है. अगर मल्टीपल एप्लीकेंट है, 2 से 4 एप्लीकेंट है, तो आप वहाँ पे उनके एप्लीकेंट की डिटेल ऐड कर सकते हैं और आप ये पूरा फॉर्म फिल करते हैं, एड्रेस को सर्विस देते हैं और उसको सेव कर देते हैं, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आपका होता है, नेक्स्ट स्टेप है कि अब आपको लोड करनी होती है अपनी रिप्रेजेंटेशन शीट्स. जो भी रिप्रेजेंटेशन शीट्स है, ठीक है, वो आपको लोड करनी होती है और आप सीधा फाइलिंग करके उसकी रिसिप्ट आपको जनरेट हो जाती है. ये नेक्स्ट आपको डिजाइन दिया है बैटरी पावर टूथब्रश का. ये टूथब्रश है जिसके आप डिफरेंट डिजाइन लाइन डायग्राम्स के थ्रू भी आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं. जैसे हम पेटेंट्स में फाइल करते हैं तो यहाँ पे लाइन डायग्राम्स बना के भी टूथब्रश को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4. ये पर्सपेक्टिव व्यू, फिगर 1, फिगर 2 टॉप व्यू है, फिगर 3 बॉटम व्यू है. ये डिजाइन पेटेंट है जो कि यूएस का फाइल है. जो मैंने आपको बताया कि कंसेप्ट सेम यही रहता है, बट वहां पे क्या रहता है, वहां पे है आपका क्लेम भी इंक्लूड होता है आपके फर्स्ट डिजाइन रजिस्ट्रेशन में,
जो कि इंडिया में नहीं इंक्लूड होता है। ये हैंड वॉश मैन्युफैक्चरिंग कम डिस्पेंसर यूनिट है, ये एक डिस्पेंसर यूनिट बनाई, जैसे कोविड सिचुएशन में हम लोग सोचते हैं कि हम ऐसी हैंड वॉश डिस्पेंसर मशीन बनाए कि आपको ऑटोमेटिक हाथ आपके सैनिटाइज हो जाए, तो आपको टच ना करना पड़े, ठीक है। तो हमने एक ऑटोमेटिक डिस्पेंसर मशीन बनाई है जो कि बस सेंसर लगे हैं, बस जस्ट आपको उसके पास जाना है, और आपने देखा होगा आजकल बैंक वैंक में वही मशीन लगी होती है कि आप बस उसके नीचे अपना हाथ रख दीजिए, वहीं से वो डिस्पेंस करता है सैनिटाइज करने के लिए, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ डिस्पेंसर मशीन्स के जो डिजाइन है वो आप इंडस्ट्रियल डिजाइन में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये फाइनली जब हम कोई भी डिजाइन पेटेंट ऑफिस में फाइल करते हैं तो पेटेंट ऑफिस की तरफ से आपको कुछ एफईआर आती है। एफईआर का मतलब है फर्स्ट ऑब्जेक्शंस आते हैं। ऑब्जेक्शंस का मतलब है कि आप जो भी फाइल कर रहे हैं ओके, तो उसमें कंट्रोलर को क्या लग रहा है कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। जैसे कंट्रोलर को कहना है, कंट्रोलर का कहना है कि आपको फॉर्म वन फाइल करना है जो आपने ड्यूरिंग फाइलिंग फाइल किया था, रिप्रेजेंटेशन शीट की दो कॉपी दोबारा सबमिट करनी है, और आपको ये देखिए ये साइड में सारे वो ऑब्जेक्शंस दिए हुए हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट पावर ऑफ अटॉर्नी, जो कि एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे सकते हैं। स्टैम्प पेपर पे 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे एक फॉर्मेट होता है पावर ऑफ अटॉर्नी का, वो सबमिट करके आपको सबमिट करनी होती है। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर्म वन आपको सबमिट करना होता है जब हम फाइल करते हैं उसकी प्रिंट आउट निकाल के। थर्ड रिप्रेजेंटेशन शीट ओरिजिनल में आपको फाइल करनी होती है दो कॉपीज। एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन जो है शुड बी 4000, मतलब अगर आपने फीस कम पे की है तो पेटेंट ऑफिस आपको बोलेगा कि आपने फीस कम पे की थी, अब आप जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आप पे कीजिए। और अगर उसको लगता है कि कुछ रिप्रेजेंटेशन शीट्स क्लियर नहीं है तो उसके व्यूज आपको बोलेगा कि आप फोटोग्राफ्स आपकी क्लियर नहीं है, आप दोबारा से फोटो खींच के हमको भेजिए। तो फाइनली हम उसका एक रिप्लाई बनाते हैं कि काइंडली रेफर टू योर लेटर, जो भी लेटर हमें रिसीव हुआ on the first examination report, so we are submitting the required documents, ठीक है। तो हम उसका regarding objection one हम बताएंगे कि हम submit कर रहे हैं power of attorney को, regarding objection two we are submitting the digital form one along with this application, regarding objection three we are submitting two copies, regarding objection, तो one by one जो जो objection patent office Calcutta raise करता है उनको आपको one by one answer करना होता है और patent office को submit करना होता है। फाइनली अब प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन का, जो भी डिजाइन आपके दिमाग में आए आप एक रिप्रेजेंटेशन शीट प्रिपेयर कीजिए, अपने डायग्राम्स को वहाँ पे पेस्ट कीजिए, फिर फॉर्म वन प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। फॉर्म वन के साथ गवर्नमेंट फीस वहाँ दीजिए 1000 रुपीज अगर इंडिविजुअल है, 4000 रुपीज अगर कोई कॉर्पोरेट है और या फिर कोई कंपनी है। एग्जामिनेशन होगा, पेटेंट ऑफिस एफईआर भेजेगा जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें कुछ ऑब्जेक्शंस रहते हैं आपको 6 महीने के अंदर उनको रिप्लाई करना होता है, और अगर कुछ चीजें मिसिंग होती है तो पेटेंट ऑफिस आपको हियरिंग का चांस देता है। जैसे ही हियरिंग हो जाती है तो आपका जो पेटेंट जो डिजाइन है वो ग्रांट हो जाता है और आपको एक फाइनली एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। सर्टिफिकेट से पहले पेटेंट ऑफिस क्या करता है, जो डिजाइन ग्रांट होता है वो इंडियन पेटेंट ऑफिस जनरल में वो उसको पब्लिश भी करता है। फाइलिंग ग्रांट होने के बाद ही डिजाइन जो है पब्लिश होते हैं आईपीओ ऑफिस की जनरल में। ये डिजाइन नंबर आपको दिया जाता है जैसे 3285540001, क्लास नंबर है 12, हुंडई मोटर कंपनी की कार है जो कि कार को लेकर डिजाइन फाइल हुआ है। नेक्स्ट नीचे बम्पर का डिजाइन है ओके। सो ऐसे डिजाइन की जो डिटेल है वो आप जनरल में जब जाते हैं तो वहां पे आपको मिल जाती है। सभ्यसाची के देखिए कपड़ों का डिजाइन है, ये सूट का डिजाइन है जो गारमेंट्स के लिए टाइटल रखा है गारमेंट्स। नीचे बजाज ऑटो लिमिटेड जो बजाज ऑटोमोबाइल की कंपनी है उसका हेडलाइट को उसने फाइल किया है तो उसका रजिस्टर हुआ है डिजाइन। ये वो डेटा है जो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको आईपीओ ऑफिस की जनरल पे दिखता है। ये बीबा फैशन के जो हम लोग कपड़े आजकल डिजाइनर क्लोथ हम लोग देखते हैं तो उनके ये टेक्सटाइल फैब्रिक है, उनके टेक्सटाइल डिजाइन है जो रजिस्टर्ड है। और फाइनली हमें सर्टिफिकेट मिलता है रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन का, जिसके ऊपर डिजाइन नंबर लिखा होता है, डेट ऑफ फाइलिंग लिखी होती है और आपका नाम लिखा होता है। नेक्स्ट ये दीज आर द इंपॉर्टेंट लिंक्स जब आईपीओ पे आप जाते हैं और www.ipindia.tech.in पे जाएंगे तो आप वहां पे अगर किसी का एप्लीकेशन स्टेटस आपको पता करना है ठीक है तो आप उसको पता कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, आप गए आप आईपीओ की साइट पे जाएंगे डिजाइन एप्लीकेशन स्टेटस ठीक है, डिजाइन एप्लीकेशन स्टेटस।
जब आपने डिजाइन एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक किया तो आप ऐसे वो करेंगे, ओके तो जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आपने क्या करना है, जो भी अगर आपने कोई एप्लीकेशन फाइल किया है, ठीक है, अब आपको उसका कुछ पता करना है नंबर। तो जैसे मैं एक एप्लीकेशन नंबर डालती हूँ 331351/001, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन नंबर है, मुझे इसका स्टेटस पता करना है। तो आप यहाँ जाके कैप्चा फिल करेंगे और शो स्टेटस। देखिए तो ये आ गया है कि आपका जो स्टेटस है, ये एप्लीकेशन नंबर आया, CBR नंबर आया, एप्लीकेंट का नाम भी आ गया, देखिए आशीष कुमार रजक और डॉक्टर सचिन कोरे, और उनका स्टेटस दिखा रहा है कि टेक्निकल एग्जामिनेशन ऑफ अमेंडेड एप्लीकेशन, मतलब हमने FER का रिस्पांस जो आया था वो सबमिट कर दिया है, जो जनरेट हुई थी 28/8 को, ओके। और आंटी ये आपका स्टेटस है जो आपको मिल जाता है, और आप उसको उस हिसाब से देख लेते हैं। जब डिजाइन ग्रांट हो जाता है तो यहाँ पे स्टेटस दिखा देता है कि डिजाइन हैज बीन ग्रांटेड एंड द सर्टिफिकेट हैज गॉन फॉर प्रिंटिंग। तो ये स्टेटस होता है जब आपका एक डिजाइन ग्रांट हो जाता है। तो इस IPO की साइट पे आप जाके कभी भी अगर आपको लगता है कि कुछ डिजाइन आपने फाइल किए हैं तो आप उन डिजाइन का स्टेटस आप यहाँ जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका, अब आपके दिमाग में जो डिजाइन आए हैं, अब आपको अगर वो चेक करना है कि वो डिजाइन ओरिजिनल है या नहीं, तो आप कैसे करेंगे, देखिए उसके लिए आप क्या करेंगे, आप गूगल पेटेंट पे जाएंगे, यू क्लिक ऑन गूगल पेटेंट। गूगल पेटेंट पे जब आप जाएंगे तो आप अपना एक डिजाइन, सपोज आपके पास कोई अब आपके पास कोई हेलमेट का डिजाइन है, ठीक है, आपने कोई हेलमेट का डिजाइन सोचा है कि आप उस हेलमेट का डिजाइन फाइल करना चाहते हैं, मतलब आप पेटेंट फाइल नहीं करना चाहते पर डिजाइन फाइल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे डिजाइन क्लिक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, आप देखो सर्च आइटम में, अब आप देखो कितने सारे आपको डिजाइन दिखेंगे, ये देखिए हेलमेट का ऊपर का डिजाइन है, ठीक है, और ये देखिए टॉप व्यू बॉटम व्यू सब सारे डिजाइन आपको यहाँ दिख जाएंगे। तो अगर आप जैसे डिजाइन की बात कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ऐसे डिजाइन ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, तो आप अपने डिजाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं एक बार फाइल करने से पहले। सेम है कि अगर आपको लगता है जैसे कवर वाला हेलमेट आपने बनाया है, ठीक है, तो उन हेलमेट का भी डिजाइन को आप यहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं, जैसे हेलमेट विद कवर, ठीक है, हेलमेट का डिजाइन मैंने सेलेक्ट किया हेलमेट विद कवर, जैसे अगर मैं बोलती हूँ हेलमेट विद कवर, ओके तो हेलमेट विद कवर का जो डिजाइन है जब हम चेक करेंगे तो आपको अगर कवर वाले डिजाइन दिख जाते हैं कि ऑलरेडी नोन है, ठीक है, तो आप उसमें अपने डिजाइन को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। ये देखिए कवर, ठीक है, हैट वाले डिजाइन भी है, देखो हेलमेट के जैसे हैट टाइप के डिजाइन जो पहले आते थे, ठीक है, ये सारे डिजाइन है जो हम जब सर्च करते हैं, जब भी क्लाइंट हमें कोई डिजाइन के लिए काम देता है तो सबसे पहले हम गूगल पेटेंट पे जाके उसके डिजाइन चेक करते हैं कि वो डिजाइन ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है। अगर वो डिजाइन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तभी हम उसको आगे रिप्रेजेंटेशन शीट की फॉर्म में उसे मंगा के हम उस डिजाइन को फाइल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि US पेटेंट में जब हम डिजाइन पेटेंट के लिए जाते हैं तो वहां पे एक क्लेम आपको देना होता है, द ऑर्नामेंटल डिजाइन फॉर द पेटेंट हेलमेट कवर एज शोन एज डिस्क्राइब। तो यहाँ पे जो व्यूज आप दे रहे हो, फिगर 1 फ्रंट पर्सपेक्टिव, फिगर 2 रियर, फिगर 3 एलिवेशन, ये सारे लेफ्ट साइड, फिगर 5 लेफ्ट साइड, फिगर 6 राइट साइड। जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रोडक्ट के आपको ये व्यूज आपको देने होते हैं जो कि टॉप बॉटम राइट लेफ्ट साइड में होते हैं। USPTO पे भी जाके, USPTO अगेन यूनाइटेड स्टेट का एक पोर्टल है जहाँ पे आप डेटाबेस है, जहाँ पे आप डिजाइन जो आप रजिस्टर फाइल करते हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। So, this is all about the designs. Okay, screen not visible. Why screen is not visible? See, now is it visible? So, this is all about the design. Okay, where if you have anything related to design, जो आपको लगता है कि आपके designs novel है, तो आप उनको protect कर सकते हैं by having a cat pictures.
और कैट पिक्चर्स के साथ साथ अगर आपको लगता है कि ओरिजिनल पिक्चर्स हैं तो ओरिजिनल पिक्चर्स के साथ भी आप उनको फाइल कर सकते हैं. नाउ आई रिक्वेस्ट मैम कि आप बच्चों की जो वो है अनम्यूट कर दें, सो दैट इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क. हेलो. हाँ जी मैम. हाँ. अच्छा कैसे 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 करूँ मैं उसको? पार्टिसिपेंट ओपन है, ठीक है. म्यूट ऑल, म्यूट ऑल. हाँ दिलीप यादव सर आ गया. हाँ अनम्यूट, आज टू अनम्यूट कर दिया मैंने. म्यूट कर दिया. देखो मैम एक मिनट, आपको स्टूडेंट को भी अनम्यूट करना है ना? हाँ. Allow participant to unmute themselves. कर दिया मैंने. Okay. So now, guys, if you have any query, you can ask. I have unmute you all. आप unmute कर सकते हैं अपने आपको. कोई क्वेरीज है किसी की? समझ आया सबको? यस मैम. ओके एनीथिंग एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नो. So thank you for all for giving a spare time for this lecture. And if you have any query, you can send me an email on my this email ID. Like if you don't want to ask in this webinar, okay? Personally, अगर कुछ है, कुछ ideas, कुछ concept है जो आप करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे number पे call कर सकते हैं और मेरी email ID पे मुझे mail कर सकते हैं. Thank you. Thank you very much, madam. Okay. Bye bye. Thank you, madam. Thank you. Thank you, ma'am.